Hello. हाय महक मलिक, यो सरप्राइज आवे। मेरा सॉन्ग था ढोला वे ढोला तेरी यारी, पंजाबी सॉन्ग था वो, मैंने किया था तो उससे मेरी पहचान हुई थी। दो ही भाई थे और उनका कोई भाई भी नहीं था। बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे क्योंकि मैं इस तकलीफ़ से गुजर चुकी हूँ। अभी तो मैं जवान हुई हूँ। ड्रेसिंग जी, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। कहते हैं ना कि मेरी खुशियाँ तो सबने देखी हैं, मेरे गम किसने देखे हैं। जानू मानू वाले रिलेशन मैंने कभी नहीं बनाए। अस्सलाम वालेकुम मुल्तान टुडे से मैं हूं आपका होस्ट खिज़र यातमून। आज मेरे साथ पाकिस्तान की वो पर्सनैलिटी जो लाखों दिलों की धड़कन है, टिकटॉक स्टार आप माशाल्लाह, जहां भी गए अपनी यादें छोड़े, और मेरी मुराद पाकिस्तान की खूबसूरत स्टार महक मलिक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको वेलकम करते हैं मुल्तान आप आए जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। कैसा लगा मुल्तान वालों की मोहब्बत, आप माशाल्लाह लगातार यहाँ पर शो कर रहे हैं जी। मुल्तान वालों ने हमेशा मुझे जो है ना मोहब्बत दी है। पहले भी मैंने चार ड्रामे किए और चारों ड्रामों पे हाउसफुल, और इस दफ़ा भी माशाल्लाह और आज भी हाउसफुल है। अच्छा, आपका अपना शहर कौन सा है? लोग कहते हैं पूरे पाकिस्तान, कोई मियाँ वाली कहता है, कोई कहते हैं अपना शहर। मेरा शहर फैसलाबाद है, और मैंने अपनी रहाइश सरगोधा, इस्लामाबाद, ये दो जगहों पर है मेरी। सबसे पहला टिकटॉक कौन सा बनाया था जो आपकी पहचान बन गया? नहीं, टिकटॉक नहीं पहचान बना था। मेरा सॉन्ग था ढोला वे ढोला तेरी यारी, पंजाबी सॉन्ग था वो, मैंने किया था तो उससे मेरी पहचान हुई थी। तो टिकटॉक से जैसे आप आए, टिकटॉक से पहले और टिकटॉक के बाद क्या चेंज देखा? टिकटॉक से पहले भी मीन्स के लोग मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। यूट्यूब पे लाखों फैंस थे, सब्सक्राइबर थे, और टिकटॉक आने के बाद जो है ना वो लोग इधर आ गए और इधर भी आके और मज़ीद सब ने फॉलो किया। मैंने मेहनत की और लोगों ने फॉलो किया, ये उनकी मोहब्बत है कि वो इतना प्यार देते हैं। महक, हम देख रहे हैं आप लगातार माशाल्लाह इतने इवेंट करते जा रहे हैं, और दिन ब दिन लोग बूढ़े होते हैं, आप जवान होते जा रहे हैं, जवानी का राज होते हैं। अभी तो मैं जवान हुई हूँ। क्योंकि मैं बड़ी छोटी उम्र में आ गई थी फील्ड में, और अभी तो माशाल्लाह मैं जवान हुई हूँ। खवातीन आपकी ड्रेसिंग की बड़ी कॉपी करती हैं, उसके बारे में बताइए। ड्रेसिंग बहुत आला करती हैं आप। ड्रेसिंग जी, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो मैं अपनी पसंद के कपड़े बनवाती हूँ, डिज़ाइनर हैं मेरे, वो बनाते हैं अच्छे अच्छे। वैसे आप में बड़ा मेहरबान, आप खुद किसकी फ़ैन है, किस पे मेहरबान है? आज सबने पैसा देखा है जो मुझ पर मेहरबान है, जो जिन दुखों से, जिन परेशानियों से, जिन मुसीबतों से मैं गुजरी हूँ, वो किसी ने नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और कभी मुसीबतें ऐसी थीं कि लगता था कि सारी दुनिया के गम मुसीबतें ही मुझ पर ही टूट पड़ी हैं। और कहते हैं ना कि मेरी खुशियां तो सबने देखी हैं, मेरे गम किसने देखे हैं। सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वालों से प्यार करती हूँ, अपने अल्लाह से सबसे पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने माँ बाप से, और अपने चाहने वालों से, अपने फ़ैन से। कोई एक नहीं है मेरे दिल में कि जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जानू मानू वाले रिलेशन मैंने कभी नहीं बनाए। हमेशा अपनी इज़्ज़त को मैंने पहले अपने सामने रखा है, और हमेशा इज़्ज़त के रिश्ते बनाए हैं। पर्सनल या चोरी वाले या छुपने वाले या कोई ऐसे वैसे चक्कर कभी नहीं मैंने चलाए, और अपने अल्लाह पे मैं डिपेंड रहती हूँ। जो भी मुझे चाहिए मैं अपने अल्लाह से मांगती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, और हमेशा इज़्ज़त के रिश्ते बनाए हैं, और दिल में भी इज़्ज़त वालों को जो है ना जगह दी है। आपकी मोहब्बत है और आपका यही अपनापन है जो आपकी कामयाबी का राज है। लास्ट टाइम हमारे देखिए कुछ दिन पहले पाकिस्तान के खूबसूरत सितारे शराफत और उनके भाई की डेथ हुई, क्या कहना चाहेंगे? हाय, मैं तो उनको सबको ये कहना चाहूँगी कि उनके सॉन्ग ना ही सुने, ना ही उनके सॉन्गों को प्ले किया करें, और अल्लाह उनको गरीके रहमत करे। बहुत अच्छा इंसान था वो, सिंगर तो था ही, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा था। मेरी उनके साथ मुलाकातें भी हैं, हमने इकट्ठा एक सॉन्ग भी ड्यूट किया था मैंने उनके साथ। और दो ही भाई थे और उनका कोई भाई भी नहीं था। बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे क्योंकि मैं इस तकलीफ़ से गुजर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे भाई भी 10 महीने पहले मेरा भाई भी हमसे जुदा हुआ, तो मैं समझ सकती हूँ। और उनका मुझे पता चला था कि उनका वालिद भी नहीं है, सिर्फ वालदा है, और अल्लाह पाक उनकी वालदा को भी सब्र दे। ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा सदमा है,
माँ बाप भूल जाते हैं बच्चों को, लेकिन माँ बाप को बच्चे नहीं भूलते। सो हम उनके लिए दुआगो हैं, उनकी माँ के लिए, उनकी उनके बहनों के लिए, उनके बच्चों के लिए, सबके लिए अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। अजमेर का आपको बहुत शुक्रिया, आप मुल्तान आए और हमें टाइम दिया। और लास्ट में हमारे मुल्तान टुडे चैनल देखने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे? जी बहुत अच्छा चैनल है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करके आगे शेयर करें। थैंक यू।